ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका की नई स्टडी ने दुनिया भर की सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गईं, तो ब्रिटेन में अप्रैल तक ओमिक्रॉन से 75,000 तक मौतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टडी में क्या कहा गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और स्टेलनबोश यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया है कि बेहतर से बेहतर परिस्थिति, यानी अगर ओमिक्रॉन पर वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों असरदार रहे, तब भी हॉस्पिटलाइजेशन रेट जनवरी 2021 के मुकाबले 60% तक बढ़ेगा और हर महीने करीब 3,570 मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। वहीं खराब से खराब स्थिति, यानी अगर ओमिक्रॉन पर वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों बेअसर रहे, तब हर दिन 7,100 से ज्यादा मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। रिसर्च में साफ किया गया है कि सावधानियां नहीं बरती गईं, तो ओमिक्रॉन की वजह से अप्रैल 2022 तक ब्रिटेन में 25,000 से 75,000 तक मौतें हो सकती हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 3,000 से भी ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को दिसंबर के अंत तक बूस्टर डोज देने का टारगेट रखा है। वहीं भारत में ओमिक्रॉन की स्थिति पर बात की जाए तो देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में आ रहे हैं। वहीं राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश समेत 8 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले भी मिल चुके हैं। ऐसे में देश में तीसरी लहर के खतरे को टालने के लिए जरूरी है कि ब्रिटेन और भारत सहित पूरी दुनिया में कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ऐसी ही और